नमस्ते। बदलीपुर जाने वाली ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाइए क्योंकि अगला स्टेशन आधा फुल है। और इस ट्रेन का मैं ड्राइवर मानव और मैं नेहा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं बदलीपुर में। वेलकम टू बदलीपुर। और किट्टी तारा और अदरक की दुनिया में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की कहानी क्या है। एक मिनट मानव, आज की कहानी अगर बता दोगे तो देखने में मजा कैसे आएगा। यार तुम मुझे ना कुछ बोलने मत देना, हमेशा रोक देना। मैं तो सिर्फ तुम्हें कहानी सुनाने से रोक रही हूँ। वहाँ बदलीपुर में लड़के लड़कियों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। वैसे हो तो तुम भी लड़के है ना। अरे इसमें मैं बीच में कहाँ से आ गया? कैसे नहीं आ गए? हाँ, स्कूल के रास्ते पर बदमाश लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। तो लड़के छेड़ते ना, मैं थोड़ी छेड़ता हूँ। पर हो तो तुम भी लड़के ना। एक मिनट, अगर बात लड़कों की हो रही है तो सोचो जरा, लड़कियों का साथ देने वाले यानी कि हमारे अदरक और प्रिंस भी तो लड़के ही है कि नहीं? हाँ वो तो है। तो देखते हैं किटी के जोश, तारा के होश और अदरक का जुगाड़ इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकालते हैं। भैया ये वो हमें दीजिए, वो हमारी प्लेट है। ये यहाँ पहले। भैया इधर इधर इधर। हाँ थैंक यू। ये हमारी प्लेट है, हमें दे दीजिए। कोई नहीं, खाने के बाद प्लेट रख लेना तो ठीक है। हमने कहा नहीं प्लेट हमारी, हमें दे दीजिए। बोला ना दे दूंगा, समझ में नहीं आता। नरेश तारा को प्लेट वापस दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा मैं डर गया, ले मेरे हाथ भी कांप रहे। प्लीज मुझे मारना मत किटी। डरना तो तुझे चाहिए, कहीं हम लड़कियों से तू हार ना जाए। अच्छा तो हो जाए फैसला, कौन ज्यादा ताकतवर है। हाँ हो जाए। किटी आप क्या करिए, हम हार जाएंगे। इंसान को सिर्फ शरीर से ही नहीं दिमाग से भी स्ट्रांग होना चाहिए। डोंट वरी। किटी चैलेंज क्या है? हम दोनों को मिर्ची खाने के लिए एक मिनट का समय मिलेगा और अंत में जिसके पास सबसे कम मिर्ची होगी वो विनर होगा। किटी इसका मतलब तू तो हार गई। तू मुझे नहीं जानता नरेश। पहले मैं ना, पहले मैं। चल ठीक है, पहले तू। किटी अब तेरी बारी। किटी स्टार्ट। मुझे नहीं खानी। क्या तू जीत गया? ऐसे किसे नहीं कहेगी, तुझे खानी पड़ेगी। ये चीटिंग है किटी। गाइस ये अरे 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 चीटिंग कैसे हुई? बोला ना नहीं खानी तो नहीं खानी। तू जीत गया ना, ले जा खा ले एक और प्लेट। सबसे ताकतवर तो तू ही है।
इंसान को सिर्फ शरीर से ही नहीं दिमाग से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आइंदा से कभी किसी लड़की को कमजोर समझने की कोशिश मत करना, समझे? किटी, वेल डन, बहुत अच्छा किया था। रोशन जी, क्या सिखा रही हैं लड़कियों को आप? कुछ नहीं सर, LLDB। LLDB? मतलब? मतलब लड़का लड़की दोनों बराबर, दोनों बेस्ट हैं, दोनों बराबर। सही सिखा रही हूँ ना? मैं चलती हूँ। लड़का लड़की दोनों बराबर। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। Oh my darling, give me a look. रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। Oh my darling, give me a look. अरे रुक जाना, हमें भी देख लो, हमारे साथ चलोगी? ए, सुन, हमसे फ्रेंडशिप कर ले फिर प्यार करेंगे, क्योंकि प्यार भी नाचे नगारे, अरे प्यार भी नाचे नगारे। ए, सुनो, इंतजार करेंगे हम तुम्हारे। क्या सुनू मैं आपकी बात, कोई सिर पैर है उसका? अरे दो चार मनचले लड़कों ने सीटी बजा दी तो क्या पूरे देश की आर्मी लगा दे वहां पर? अरे हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में हर तरह के लड़के रहते हैं, अरे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट? ये क्या कह रहे हैं आप? एडजस्ट? हर बार हम लड़कियों को ही एडजस्ट क्यों करना पड़ता है? इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भावुक होने की जरूरत नहीं है, फाइटर होने की जरूरत है। राइट, आप तो बात बात में जोश में आ जाती है, आप अभी नई हैं, समझती नहीं है आप। बदलीपुर में अगर लड़कियों के मां बाप को यह सब मालूम पड़ेगा ना तो वो लड़कियों का स्कूल में जाना बंद करा देंगे। अरे क्या चाहती हैं आप? सर मैं यही चाहती हूं कि स्कूल उन लड़कों के खिलाफ एक्शन ले और यहां की लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, बस मैं यही चाहती हूं। अरे किटी, उधर से किधर से जा रही है? इधर से चलते हैं ना, लेफ्ट से। अरे पर हमारा रास्ता तो यहाँ से है ना। कभी कभी कुछ लड़के उस रास्ते पे परेशान करते हैं। तो इधर से चलते हैं ना, प्लीज किटी, प्लीज इधर से चलते हैं ना। राधा, हम उन लड़कों के लिए अपना रास्ता क्यों बदले? किटी जंगल का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा और कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। चल राधा, मैं हूँ ना, चल कुछ। अरे नहीं किटी यार, चल ना, मुझे नहीं जाना उधर से, चल। अच्छा ठीक है, चल। अच्छे से कहा ना किटी? हाँ मैंने बोला था ना, कोई और रास्ता नहीं किटी। क्यों क्यों क्या हुआ? अरे पहले तो बोल रहे थे वहां से जाना, यहाँ से आना है, अच्छी तो है जगह। चल ना किटी, बैठ जाते हैं। हाँ थोड़ी देर बैठते। ए, क्या हुआ, चेहरा देख इसका। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मम्मी रास्ते से आने मना करती है, जंगल के रास्ते में भूत रहते हैं ना। भूत? तूने कुछ सुना? किटी चलते हैं ना हम यहाँ से। प्लीज मैंने सुना, ध्यान से सुन।
मुझे। ए, मुझे पता है तू वहीं गई है, तू वापस आ। राधा! अच्छा एक बात बताओ, अरे आपके तो पंख हैं, उड़ क्यों नहीं जाती? अगर आपके पंख काम नहीं आ रहे तो मुझे उधारी पे दे दो, मैं उड़ जाऊंगा कहीं। देश आजाद है, देखो क्या हालत हो गई है मेरी, कब से खड़ा हूं अभी तक नहीं आया। अदरक अदरक अदरक, ए तुम ना नाम मत ले मेरा, समझी ना? हाँ आप बोलो। ओए ओए लड़के, क्या क्या नाम है मेरा? अरे अभी तो तूने बोला नाम मत लो मेरा। देख मुझसे होशियार मत बन, ब्यूटी आंटी को बहाना मार के कब से यहाँ तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। टाइम की कीमत है अदरक की, औरा समझ रही है तू? एक तो बुलाती है और ऊपर से खुद लेट आती है। हाँ बाबा सॉरी, वो ना एकदम टाइमिंग गड़बड़ होगी हमारी। क्या काम है? वो भूत का पता लगाना है। क्या? अच्छा तू एक बात बता, तूने पैदा होते हुए क्या खाया था? तेरे दिमाग में सुतली बम है क्या कि हर जगह फटने वाला काम करती है? देख भूत वो जैसा ना कुछ नहीं होता, इसके पीछे जरूरी कोई और स्टोरी है। मुझे इसका पता लगाना, मेरे पास इसका प्लान भी है। और नगद नारायण ले लेना, अब तक कौन सा दिया है जो आज मना करेंगे? मतलब अरे तू हिसाब में लिख लेना। ठीक है काम बोल। देख हमें ना एक कैमरा चाहिए, बहुत छोटा कैमरा जो इस पे फिट हो सके। भई ये क्या है? पुष्पक विमान। देख मजाक मजाक करोगे ना, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सुन सुन सुन, ड्रोन है ये, हवा में उड़ता है। कहाँ से चुराया तुम लोगों ने? तारा ने बनाया। सच्ची? तो मैं तो चाय बनाता रह गया, तुमने पुष्पक विमान बना दिया। कैमरा दिखा इसे। तू देख। अरे वाह, ड्रोन पे फोन, वेरी गुड आइडिया, सुपर गुड। अब आगे हमें पता है क्या करना है, हम इस फोन को ना ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो भी इस कैमरा पे दिखेगा वो हमें यहाँ किटी के फोन पर दिख जाएगा। ओ तेरी, ये तो सही में उड़ रहा है यार। जल्दी चलो थोड़ा। कैफू कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। कुछ नहीं दिख रहा ना, तो चलते हैं यहाँ से प्लीज। बाला सही कह रही है, हम चलना चाहिए यहाँ से। तू चुप कर। और तू तू तो गूगल वाली है ना, साइंस फेवरेट है तेरा, तुझे कब से डर लगने लगा? चलो अभी। सुन अब भूत नहीं उसका दूत आएगा, देखना तू। मेरी आवाज को क्या हो गया? अदर की आपकी आवाज तो नहीं लग रही है, कितनी जरूर भूत के हंसने की आवाज है। प्लीज चलते हैं यहाँ से। क्या भूत की आवाज? मैं जहां चल तारा। अरे तू क्यों डर रही है? चल किटी किटी, देखिए ना ये ड्रोन भी किसी ने गिरा दिया, ये तो उड़ भी नहीं रहा। प्लीज चलते हैं यहाँ से। तारा तू यही रुक, मैं आती हूँ, तू यही रुक, कहीं जाना नहीं। ओके तारा? नहीं नहीं रुक, देखो मुझे पता है तुम कोई भूत भूत नहीं हो, तो जो भी हो तुम अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तुम्हें खतरों से खेलना है तो खेलो, उसमें हमारी बहन को क्यों लाती हो? चलो तारा। अरे भाई अरे
आप लोग नहीं दिलाओगे तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। ए माई, अक्कल दे, अक्कल दे इसको, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। ये भूत, इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। क्या करूं? बताओ क्या हुआ था? अचानक से मेरे कमरे में धुआं आया और मैं बेहोश हो गई। धुएं से बेहोश? भाभी हो सकता है कि वो किसी नशे वाली चीज का धुआं हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही सीरियस बात है। पर धुआं अंदर आया कैसे? मैं यहां बैठी थी और खिड़की से कुछ अजीब सी आवाज आई और मैंने वहां से अजीब सी आवाज। देवर जी, फिर तो ये पक्की बात है, कोई भूत है। देखिए ना, पहले वो मिलन देव जी और अब ये भूत, पता नहीं क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं। ओ भाभी प्लीज शांत हो जाइए। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? वही तो। कई बार कहा है हमने, समझ में नहीं आता। पल्लू से ढक के रखो अपना सर, अपने खानदान के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम, समझी? अब तक तो घर की सारी बातें ढक के रखी हैं। लीजिए, सर भी ढक लिया। और कुछ? कल से ये लड़की अकेली स्कूल नहीं जाएगी। स्कूल के रास्ते में किसी लफंगे ने इसे छेड़ दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? घर की सारी इज्जत लड़कियों से होती है, समझ गई तारा? लीजिए, ये भी समझा दिया हमने। और कुछ? तो बाबूजी, कल से हम तारा को स्कूल छोड़ने चले जाया करेंगे। ठीक है। हमारे नाम को खराब नहीं करने देगा ये नारायण सिंह। नाम खराब नहीं होना चाहिए, भले जिंदगी खराब हो जाए। ये भी समझा देंगे हम। ये भी समझा देना कि हर गलती की सजा होती है। ये हमसे बेहतर और कौन जानता है? Thank you.
उन लफंगों को पुलिस जब पकड़ेगी तब पकड़ेगी, लेकिन तब तक इन बच्चियों की जिम्मेदारी, इन लड़कियों की जिम्मेदारी हमारी बनती है। बदलीपुर की इज्जत का सवाल है। दूर दूर के गांव से बदलीपुर के अंदर बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। जब बात फैलेगी कि इस गांव के अंदर, इस स्कूल के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो कितनी बदनामी होगी। एक दूसरा रास्ता है जो जंगल के रास्ते से होता हुआ गुजरता है, वो रास्ता भी अच्छा नहीं है, खतरा वहां पर भी है। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। चलिए सोचते हैं क्या कर सकते हैं, आइए। हमें नहीं पसंद कि लड़के लड़कियां साथ में घूमें। इस मामले में मर्द होने के नाते हमें इन लड़कियों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बचने का तरीका यही है कि हम अकेले नहीं, एक दूसरे के साथ रहें। अरे गुंडों के मुंह कौन लगे, हर कोई आसान रास्ता ढूंढता बचने का। अरे मैं तो कहता हूँ लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, घर पे रहेगी तो कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। मेरे माँ बाप ने मेरी स्कूल छुड़ाई थी इज्जत के खातिर, पर मैं तो अपने बेटे को जरूर स्कूल भेजूंगी। तो ये सीटी सब अपने पास रखना, ओके? अगर ग्रुप में ना हो और कोई भी छेड़े तो इसे बजा देना। सीटी बजाना क्या सिर्फ लड़के ही जानते हैं? अब से एक लड़का साथ जाएगा लड़कियों के, ताकि कोई उन्हें छेड़ ना सके, समझ गए? देखता हूँ कौन छेड़ता है आज। आज तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे किसी ने बता दिया होगा कि बलबीर साथ में। तू फाइट करना जानता है क्या? हाँ, ब्लैक बेल्ट हूँ। कोई आए तो सही, मारते मारते। माँ साहब सही कहते हैं, तुम लड़कियों को हम लड़कों की जरूरत होती ही होती है। चल निकल। अबे भाग। अरे सुन। जंगल में भूत का डर, यहाँ सजनी के साजन। अरे सॉरी। किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे हैं? कल भी छेड़खानी हुई है। आपने पुलिस में कंप्लेन की या नहीं? भेजा था एक लड़के को साथ में, अब इससे ज्यादा और क्या करें हम? ये रजिस्टर देखा आपने, कितनी लड़कियां एब्सेंट हैं। अगर आपने कोई बखेड़ा खड़ा किया ना, तो लड़कियों का स्कूल में जाना बंद हो जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। मतलब छेड़खानी भी लड़कियों के साथ और सजा भी लड़कियों को ही मिले। अच्छा वैसे कुछ पता चला धुआं किस चीज का था? नाइट्रोजन ऑक्साइड से कोई बेहोश नहीं हो सकता, वो कुछ और था। चाचू बोल रहे थे कोई नशीली सी चीज। ये ले गांजा। क्या? हाँ गांजा। ये गांजा क्या होता? बच्चों की मतलब की चीज नहीं होती, और तुम दूर रहो इन सबसे तारा। एक सेकंड, बदलीपुर में गांजा मिलता है? और तुझे कैसे मालूम? लड़के ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जो लड़कियां नहीं जानती। पर कोई आपको क्यों बेहोश करना चाहेगा? वो क्या है वो? हाँ, गांजे से। शायद खानदानी दुश्मनी होगी। अगर किसी तरह हम गांजे की दुकान तक पहुंच जाए ना, तो शायद कोई क्लू मिल सकता है। पता था ऐसा ही कोई बॉम्ब छोड़ेगी। वैसे सही कहते हैं लोग,
एक बार सूंघ लो ना तो लत लग जाती है गांजे की। प्रिंस तू हम लड़कियों के मामलों में नहीं पढ़ते। तारा ड्रोन ले लिया ना, अब चलो यहाँ से। अरे पर भाई उन्हें हेल्प चाहिए। हम तू हेल्प कर सकते हैं ना। ना 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 बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ना ना जी ना। अरे लेकिन अदर मेरी बात नहीं हो गया? नहीं नहीं मैं नहीं ना। रिकॉर्ड रहा है अदरक का, आज तक गांजे की दुकान पे नहीं गया। लेकिन हाँ रिकॉर्ड टूट भी सकता है अगर नगद ना रहा। मिल जाएगा, हिसाब में लिख ले। ठीक है ओके। गांजा ये ले। ये भी तो है। ए, क्या बे? क्या चाहिए तुझे, प्यार या माल? भाई प्यार तो बहुत है जिंदगी में। फिलहाल माल चाहिए। कौन सा, ईगल या बिच्छू? बिच्छू बिच्छू बिच्छू। छोटा है लेकिन चलाक बहुत है, लाइफ बना देती है। मैं आता हूँ, चल मेरे साथ। वहाँ वहाँ जहाँ माल मिलेगा। ठीक है तू चल, मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ। चल ठीक है। अरे किट्टी कहाँ चली गई? अदरक तुझसे काम है जरूरी, जल्दी आ। हाँ अभी ट्वेंटी आ रहा को मैसेज कर देती हूँ। अच्छा हुआ मैं माँ का फोन ले आई। अरे नो नेटवर्क। सेंड करके रख देती हूँ, जब नेटवर्क आएगा तो डिलीवर हो जाएगा।
है ना जो पिछली बार बच गई थी, वापस आने में डर नहीं लगा? उनको लगता है जिनके ट्रिगर में दम ना हो। मुझे पता था यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। ओ, तुझे सब पता चल गया? ये तो बैड न्यूज है, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। हाँ? अब तो तेरा परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। क्या करोगे? अब लगा डर? अरे यार, किट्टी का अभी तक कोई फोन नहीं आया। पता नहीं उस आदमी के पीछे पीछे कहाँ चली गई। अगर ब्यूटी एंटी नहीं आती ना तो आज मैं भी वहां होता। देश आजाद है। चल मैं ही फोन ट्राई कर लेता हूँ। किसी प्रॉब्लम में ना फंसी हो? अरे यार, एक तो ये फोन भी कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। अरे बेचारी, प्रॉब्लम की भी कहां इतनी हिम्मत की वो किट्टी को फंसा ले। वो तो खुद वेलकम करती है ना प्रॉब्लम को। इस हिसाब से बदलीपुर में एक ही जगह है जहां नेटवर्क नहीं आता, जंगल। गलत किया तूने, बहुत गलत किया। पता है कितनी मेहनत लगती है एक झूठी कहानी को सच बनाने में, लोगों के दिल में भूत का डर बिठाने में, ताकि बदलीपुर के लोग यहां ना आ सके और हम पार्टी कर सके। दाद देनी होगी तुम्हें हमारे दिमाग की। वो देखो, स्पीकर, सराउंड साउंड, जैसा पिक्चर में होता है ना, बिल्कुल रियल आवाज। बोलना है? बोल। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके लिए बदलीपुर में सच जगह कोई हो ही नहीं सकती, ना पुलिस ना प्रधान का डर। तुमने भी तो ट्राई किया था ना, अच्छा लगा? जो कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। बचोगे नहीं तुम। तो शरीफ लोग हैं, मेन रोड पे लड़कियां छेड़ते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, मर्दों वाले शौक पूरे करते हैं। बदलीपुर में सबकी नजर पड़ने लगी थी तो यहां अड्डा बना लिया। क्या कोई नहीं आता? तुम्हारी छेड़खानी की वजह से लड़कियों ने ये वाला रास्ता चुना और तुमने ये भूत वाली स्टोरी स्टार्ट कर दी। हाँ, इंटेलिजेंट हो तुम, एक सेल्फी हो जाए। भाग। और तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये जिसको तुम मजा कह रहे हो ना, जहर है वो। ज्ञान बहुत देती है। अरे केशव, इसे तो सब कुछ पता चल गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाकर अपना मुंह खोल दे। मर्दों को बोलते हुए सुना है कभी? कमलेश जी, किट्टी के बारे में कुछ पता चला? नहीं नहीं, वो देवर जी गए देखने के लिए। और देखिए ना, मैं सुबह से मोबाइल ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ आकर। हे मेरी माई, ओ माई। अरे मोबाइल तो मेरा किट्टी के पास ही है। क्या? हाँ, मेरे पास फोन है। हाँ। नंबर दीजिए। हाँ, लगाई लगाई। फोन लग गया। हाँ, बेल बज रही। हाँ बोल। हाँ, अरे बताए, लड़कियों के आने का टाइम हो गया है। आज तुम लोग ही लैला लैला चिल्लाओ।
हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे कुछ जरूरी काम है, इंजॉय करो ठीक है। क्या बात है यार, आज तो नेटवर्क भी आ रहा है। कहीं उस लड़की के पास तो मोबाइल नहीं। चल क्या हुआ, बेल जा रही है पर फोन नहीं उठा रही है ये लड़की ना, इसीलिए तो मैं परेशान हूं उससे। कमलेश ये अर्जुन क्या कह रहा है, किटी कहाँ है? हाँ वो किटी आज आ जाएगी, अभी मेरा फोन है ना उसके पास। मैडम जी फोन लगाइए ना। भाभी मैंने हर जगह चेक कर लिया, किटी कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली? अब सिर्फ एक ही जगह बची है, जंगल में। अरे किट्टी का मैसेज क्या लिखा है? लिखा है मैं जंगल में हूं, किसी पेड़ के नीचे जहां सफेद सफेद पत्थर है, शराब की बोतलें भी पड़ी है। चलो चच्चा मैं सारा काम आगे करता हूँ। नहीं रुकिए भाई, हमें घर से कुछ लाना होगा। जहाँ भी जाना जल्दी चलो यार। चल भैया अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, हमें टॉर्च लालटेन साथ में रखना चाहिए। अर्जुन एक काम करते हैं, अलग अलग ढूंढते हैं, तुम और मैडम जी एक रास्ते से जाओ, हम लोग दूसरे रास्ते से आते हैं, और मैं पुलिस को भी बता देता हूँ। भैया कितना अंधेरा है, हमें बहुत डर लग रहा है। किटी की साइकिल, किटी 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 रे किटी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किटी की साइकिल है तो वो भी यहीं कहीं होंगी, चलिए जल्दी कहीं देर ना हो जाए। चलो किटी किटी बेटा किट्टी किट्टी सुनिए जी, अगर किट्टी को कुछ हो गया ना मैं जी नहीं पाऊंगी। हो कमलेश भरोसा रख, किट्टी को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे उसे। केशव काम हो गया, देख तेरी विदाई का इंतजाम हो। किट्टी किटी शराब की बोतलें किटी ने मैसेज में लिखा था। भाई किटी ने मैसेज में जो जगह मेंशन की थी ना, लग रहा है ये वही है। अरे लेकिन यार किटी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही, इसका मतलब वो लोग उसे लेकर जंगल में कहीं और चले गए। तो हम किटी को ढूंढेंगे कैसे? अभी ड्रोन काम आएगा, अगर रिमोट अपना फोन इस पे अटैच कर दीजिए। भाई हमने आपका फोन इसे कनेक्ट कर दिया है, अब आप अपने फोन पे सारा फुटेज देख लीजिएगा। देखिए भाई कुछ दिख रहा है? तारा बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे यार अब तो अदरक के फोन का कैमरा भी काम नहीं करेगा, अब क्या करें? लाइट का जुगाड़ मैं कर सकता हूँ। और वो कैसे? वो क्या था? उधर कुछ हो रहा है। चले चले चलो उधर चलते हैं। आइए अच्छा भाई अब कुछ दिख रहा है? तारा सिर्फ एरिया दिखाया लेकिन किटी नहीं। अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा, देखते अब क्या हो सकता है। देख तेरे दोस्त ने तेरी विदाई का जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो आएंगे उनका पैरों जाए पड़ेगा और रस्सी टूट जाएगी। अब इतनी समझदार तो तू ही है ना,
बाय बाय सी चल। किटी किटी इतने घने जंगल में किटी को ढूंढेंगी कैसे? आंख और कान खोलकर। वैसे अगर आपके पास इस बात का कोई और भी इलाज है तो बता दीजिए। किटी 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 वो रही किटी दिख गई। चलो किटी 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 अच्छा संभाल के देखे किटी वो रही उधर किटी किटी इसके फ्रेंड जरूर आएंगे उनका पैर उछलना पड़ेगा और रस्सी टूट जाएगी इसके ब्रह्म के खोल ये सजाद है ठीक हो किटी देखा दिमाग के साथ साथ डोले भी जरूरी है कहा था ना थैंक यू प्रिंस आप लोग इसको क्यों थैंक यू बोल रहे हो थैंक यू तो इसे मुझे बोलना चाहिए क्या हाँ आई मीन मेरी वजह से तेरी आज सारी कसरत काम आई सारी बात तो ठीक है लेकिन तुझे बांधने वाले गए कहाँ अरे वो इस साइड भागे थे चलो यार चलो चलो चलो, चलो। एक सेकंड एक से मेरा फोन किटे 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 अरे अरे ये लोग कौन है कौन आप था ना बचोगे नहीं अरे इंस्पेक्टर साहब ने लेके जाओ उनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे चला के जाओ किट्टी बेटा तू ठीक है ना मैंने कहा था ना हमारी किट्टी को कुछ नहीं हो सकता किटी, तुझे इन लोगों ने कुछ तो ठीक है ना बेटा हाँ पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ वो तो मम्मी के फोन ने बचा लिया मुझे आज ये तू ही रख ले बेटा वो क्या कहते हैं उसको शेरी अब हम दोनों शेयरिंग शेयरिंग कर लेंगे है ना ठीक है ना जी
ठीक है चलो हाँ। अभी वापस चले हाँ। आओ बेटा स्टूडेंट्स आप सब लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन में इसने फर्स्ट प्राइज जीता है ए, चुप चुप करो तारा सिंह ने ये ड्रोन बनाया है सर फ्यूचर में ये कई कारनामे करके दिखाएगा हाँ। तारा कुछ बताना चाहोगी लड़का लड़की दोनों बराबर अब तो बना लो टीम सबने मिलकर स्कूल जाने का रास्ता निकाल ही लिया अच्छा मानव एक बात बताओ अगर तुम उनकी जगह होते तो घर में डर के मारे दुबक के बैठ जाते ना दुबक के बैठ जाते ना अरे मैं क्यों दुबक के बैठता मैं भी डेयरिंग हूँ किट्टी की तरह किट्टी पर मानव ये बात गलत है ना ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर लड़कियों को रास्ते में छेड़ा जाता है तो माँ बाप ये बोलते हैं कि स्कूल जाना छोड़ दो ये बात तो गलत हुई ना कि बदमाशी लड़के करे और सजा लड़कियों को मिले लेकिन देखो ना रोशनी मैम और लड़कियों ने मिलकर क्या सलूशन निकाला है इसका हाँ जैसे ही कोई गुंडा छेड़ता है उनको तो सब मिलकर सीटी बजाने लगते हैं ऐसे मौकों पर मिलकर ही कुछ किया जा सकता है अच्छा आप बताइए अगर ऐसा आपके साथ हो कि आपको स्कूल जाते वक्त किसी ने छेड़ा हो या परेशान किया तो आप क्या करेंगे और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो हो भी सकता है तब आप क्या करेंगे और जो लड़के यहाँ बैठे हैं आप बताइए अगर आप किसी लड़की के साथ ऐसा होते हुए देखेंगे तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे और एक बात बताइए अगर स्कूल का रास्ता सुरक्षित नहीं है या स्कूल बहुत दूर है या गुंडे छेड़ते किसी भी कारणवश आपको लगता है कि लड़कियों का स्कूल जाना छुड़वा देना चाहिए या जारी रखना चाहिए और क्यों और ये सवाल जो है इसका जवाब देंगे आधा फूल देखते हुए माँ बाप आपस में बात कीजिए सोचिए क्योंकि जो बदलीपुर में लड़कियों के साथ हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है बिल्कुल तो फिलहाल हम चलते हैं जल्दी लौटेंगे आधा फुल की एक नई कहानी के साथ आइएगा जरूर क्योंकि ये है आधा फुल यहाँ हर आधा कदम फुल हो जाएगा